हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉजिक सिस्टम, तो वो हमारी पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम थी। अभी हम देखेंगे यूनिट 2 में 2.1 जो है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में पहला गेट हम देखने जा रहे हैं वो है एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है उसका सिंबल एंड गेट का। उसमें ए और बी इनपुट है और वाई इक्वल टू यहाँ पे हम ले रहे हैं ए इंटू बी उसका आउटपुट। तो यहाँ पे हम सिंबल में लिख सकते हैं कि ये है टू इनपुट एंड गेट। तो यहाँ पे मिनिमम टू इनपुट है, मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम टू इनपुट। तो मैक्सिमम हम थ्री इनपुट और फोर इनपुट और थ्री इनपुट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में पहला हम ले रहे हैं एंड गेट। तो ये एंड गेट का सिंबल है जो आपको दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे एंड गेट का ट्रूथ टेबल। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे होता है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो उसमें क्या आएगा, ए और बी इनपुट है और वाई इक्वल टू ए इंटू बी उसका आउटपुट है। तो यहाँ पे इनपुट आएगा 0 1 और 0 1, टू इनपुट है हमारे पास तो फोर पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, हमारे पास टू इनपुट है तो यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटी आएगी। तो अगर आपके पास फोर पॉसिबिलिटी है तो पहली यहाँ पे आएगी 0 0, सेकेंड आएगी 0 1, थर्ड 1 0 एंड फोर्थ आएगी 1 1। तो 0 × 0 मीन्स 0, 0 × 1 मीन्स 0, 1 × 0 मीन्स 0 एंड 1 × 1 1। तो ये एंड गेट का सिंबल है जो अभी हमने पढ़ा, ए और बी और वाई इक्वल टू ए इंटू बी। ये टू इनपुट है, आप थ्री इनपुट एंड गेट भी बना सकते हो। तो अगर आपके पास थ्री इनपुट एंड गेट है ए बी सी तो उसका आउटपुट ऐसा आएगा ए इंटू बी इंटू सी। तो ये उसका सिंबल है और ये क्या है उसका ट्रूथ टेबल एंड गेट का। तो एंड गेट हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक गेट्स में, बेसिक गेट्स में कवर कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट्स में यहाँ पे आपको पता चल गया फर्स्ट एंड गेट। तो बेसिक गेट्स हमारे पहले तो कौन कौन से हैं, तो बेसिक गेट्स है हमारा एक एंड गेट, सेकेंड है और गेट और थर्ड है नॉट गेट। तो अभी हमने पढ़ा एंड गेट, तो एंड गेट का सिंबल और ट्रूथ टेबल देख लिया है हमने। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर और गेट। तो और गेट का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये और गेट का सिंबल है। तो यहाँ पे ए इनपुट बी इनपुट और उसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो और गेट का सिंबल है वहां पे टू इनपुट और गेट। तो मिनिमम यहाँ पे कितने इनपुट हो गए, टू इनपुट। तो मैक्सिमम आप इनपुट उसमें ऐड कर सकते हो, सपोज यू हैव टू ऐड थ्री इनपुट और गेट, तो आप ऐसे उसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, उसका जो सिंबल है वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ए बी और सी। तो यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप फोर इनपुट यूज कर रहे हो तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ और गेट। अब हम देखने जा रहे हैं उसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, ऑफ और गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम दो ही इनपुट अभी लेंगे तो उसका एक इनपुट है ए और उसका दूसरा इनपुट है बी। तो यहाँ पे हम उसकी जो पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से यहाँ पे हम टेबल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी और गेट का आउटपुट है। तो यहाँ पे जैसे हमने एंड गेट में पढ़ा था कि टू इनपुट होगा तो उसका पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, फोर। तो यहाँ पे आपको वो पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक बार ए और बी क्या हो गए जीरो, एक बार जीरो और बी होगा वन, एक बार ए होगा वन और बी होगा जीरो, और यहाँ पे होगा वन वन ए और बी। तो ए प्लस बी में यहाँ पे आएगा जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन
वन प्लस जीरो वन और वन प्लस वन यहाँ पे आएगा वन, तो ये हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। बेसिक गेट में हम अभी थर्ड गेट स्टडी करेंगे, तो वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल ये है। तो नॉट गेट का मीनिंग क्या होता है? नॉट गेट को आप एज अ इन्वर्टर भी बोल सकते हो। तो जब आपने इनपुट ए दिया है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? उसका इन्वर्ट मिलेगा। और नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिलता है इन्वर्ट। तो ये हो गया उसका सिंबल। अब हम देखेंगे उसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही इनपुट है, दैट मीन्स के दो ही पॉसिबिलिटी होगी, जीरो होगी या वन होगी, और उसके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? इन्वर्ट करके मिलेगा इनपुट। अगर आप जीरो डाल रहे हो इनपुट में तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? वन। वन है तो क्या मिलेगा? जीरो। तो ये था ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। तो हमने तीन गेट बेसिक हमारे जो थे वो स्टडी किए। तो पहला लॉजिक गेट्स, उसमें हमने स्टडी किया है बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट्स हमने आज स्टडी किए, वो स्टडी किए हैं एंड गेट जिसका हमने सिंबल देखा, और गेट सिंबल और ट्रुथ टेबल देखा, और नेक्स्ट था थर्ड वन इज नॉट गेट। और नेक्स्ट हमारा आएगा वो है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में दो गेट होते हैं, वो है नैंड गेट और नॉर गेट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करेंगे। थैंक यू।